आपकी कारकर्दगी को देखकर तो यूं लगता है कि जैसे कदम कदम पर आप कामयाबियों के सिवा आपने कभी नाकामी की शक्ल ही नहीं देखी। सियासी लोग कहते हैं कि अपने महबूब से लोग इतनी जल्दी निगाहें नहीं बदलते जितनी जल्दी आप पार्टी बदल देती हैं। पार्टियां और इक्तदार और हुकूमतें मेरी मंजिल नहीं है। मेरी मंजिल कायद आजम का पाकिस्तान है। उस मंजिल तक पहुंचने के लिए मुझे जितने भी बैरियर क्रॉस करने पड़े, जो जो रुकावटें दूर करनी पड़ी, मैं करके उस मंजिल तक पहुंचूंगी इंशाअल्लाह। ये मेरा एक छोटा सा सवाल है इनसे कि वो कौन सी बात थी जिसे मजबूर होकर ये पीटीआई में शामिल हुई हैं? मैं तो बड़ी खुशी से झूम के पीटीआई में शामिल हुई। आपने पीपीपी इसलिए तो नहीं छोड़ दी कि हर शख्स कहता था कि पी 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 साढ़े नाल पी? बात यह है कि वो पीओ पुलाव पार्टी जो है, अगर आप उसमें से ये सवाल लेके आ गए हैं तो मैं जिस नशे का शिकार थी उस पर शराब असर नहीं कर सकती थी। नहीं, मैंने शराब की बात नहीं। वो अवामी खिदमत का नशा था, वो पीओ पिलाने वाले चक्कर में चल ही नहीं सकता। नहीं, मैंने पार्टी को तीन हिस्सों में बयान किया, लोग आसानी से समझ सकें। पी 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 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। ठीक है ठीक है, ना आप इतने बोले हैं ना ये लोग इतने बोले। पीपीपी कहती है कि नवाज शरीफ सिस्टम को डुबो रहे हैं और हम बचा रहे हैं। हुक्म का ने पीपल्स पार्टी को इस नहज पर पहुंचा दिया और वो आपने देखा कि इस वक्त जो ओवरऑल जियाला चाहता था उसका तो कल्चर था दमादम मस्त कलंदर। वो तो हमेशा इक्तदार के अवानों को चैलेंज करता रहा। पहली दफा वो मुफामत के नाम पे जो सियासत हुई उसने पीपल्स पार्टी को जितना नुकसान पहुंचाया उतना जियाउल्लाह हक भी नहीं पहुंचा सका। नवाज शरीफ को जब वो गिरने लगेगा यकीन हो जाएगा क्या वाकई ये घुटनों के बाल गिरने लगा, तो मैं देख रही हूँ कि सहारा फिर उसको पीपल्स पार्टी देगी।